शंभु का पुत्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उसने एक महाभयंकर यज्ञ रचवाया था और उस यज्ञ के अंदर राजा ने बहुत से धनवाद दिए थे और मैं वहां पुरोहित बनकर के बैठा था। मेरे आश्रम से राजा ने वो यज्ञ संपूर्ण किया था और उसी संपूर्ण यज्ञ को करवा करके मुझे प्रसन्न होकर के बोलो राजा ने बहुत सा बोलो ये विदा कर करके दानवाल दिया है। और इंद्र के इंद्र बैठो बोले हे भगवान, मृत लोक में क्या इतने के बड़े सत्यवादी राजा हैं जो बोलो इतनों गहनों और इतनों श्रृंगार, ये सोना चांदी इतने रतन। और यह बात सुन रहे ऋषि के भला को बोलो हो इंद्र, आप चाहे कुछ भी हो चाहे देवताओं के राजा हो, पर मुझे पक्का विश्वास है मृत लोक के अंदर जैसा राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा है ऐसा कोई ऋषि सत्यवादी राजा नहीं है। आप फिलहाल में जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र दो काम किया करता है, धनवाल दिया करता है, विदा करता है, पुण्य किया करता है, धर्म करता है, ऐसा शायद हमें कोई नहीं दिखता कि उसका जैसा धर्म परम करता होगा। और उसी के यज्ञ से मैं आया हूँ। ये बात पास में बैठा हुआ राज ऋषि विश्वामित्र सुनता है, जो गादी का पुत्र था, कान्या कुबेर नगर का रहने वाला था, जो खुद राज ऋषि था और बड़ा प्रसन्न होता है और इंद्र की तरफ देखता है और इंद्र की तरफ देख करके और एक इंद्र से खड़ा होकर के और एक विश्वामित्र कहता है तो क्या कह रहा था, किस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र का सत अजमाने के लिए तैयार हो रहा था। ले कड़ी जा रही है इन पकड़ तो सिविंग वो यार बहुत जल्दी भागे। मंदर नी जरा से प्यारा कैसे माने गलती वहगी तो प्यारा मैं गलती की माफी देता तो प्यारा दो कतरना मैं तो खाऊं।